सो गाइस, इस बार की रेसलमेनिया के लिए है ना ऑफिशियल पोस्टर ड्रॉप कर दिया WWE में। और भाई आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बैडएस यहाँ पर पोस्टर देखने को मिल रहा है। इसमें भाई दारोक फीचर नहीं हुए, पर गाइस उनके अलावा देख लीजिए यहाँ पर आप कोडी रोड्स फ्रंट में है, उनके जस्ट बगल में हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है। और गाइस यहाँ पर अभी एक हाल ही में इंटरव्यू हुआ था भाई, उसके अंदर यहाँ पर हमारे कोडी रोड्स ने डायरेक्टली एडमिट कर दिया है कि भाई यहाँ पर जो रेसलमेनिया 41 की रूमर्स है ना भाई, वो बिल्कुल ट्रू होने वाले। मतलब कि इस बार की जो रेसलमेनिया है ना वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। सिंपल सी बात यह है कि हमारे OTC द रोमन रेंस तो होने ही वाले हैं यहाँ पर मेन इवेंट में, क्योंकि भाई उनकी हाइप इतनी ज़्यादा है अभी इस वक्त, कभी रोमन रेंस यहाँ पर मेन इवेंट नहीं करते हैं तो भाई यहाँ पर जो हाइप है ना भाई वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पर भाई उनके अलावा भी यहाँ पर है ना काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार आप देख सकते हो लिस्ट में, भाई ये भी मेन इवेंट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है ना आगे हैं। अभी हाल फिलहाल में भाई इनके नाम है ना काफ़ी ज़्यादा पॉपअप होकर आ रहे हैं। पर गाइस आपको पता ही है यहाँ पर जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चालू होती है तो भाई उसमें कोडी रोड्स है ना जबरदस्ती ठूस दिए जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है ही इतना ज़्यादा एपिक कि भाई यहाँ पर कोडी रोड्स को बार बार है ना चैंपियन को ही है ना घुसना पड़ता है। और भाई यहाँ पर रेसलमेनिया के लिए सबसे ज़्यादा रूमर्ड मैच है भाई वो है अभी तक का ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मैच, वो है हमारे दा रॉक बस है हमारे OTC रोमन रेंस के बीच में। और भाई कभी ये मैच होता तो भाई ये मेन इवेंट करेगा, और अगर कभी यहाँ पर भाई कोडी रोड्स ने अपनी नाक अड़ाई तो भाई यहाँ पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच बनवा देंगे, जिसके लिए मुझे लगता नहीं है कि भाई कोई भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाला है जितना भाई यहाँ पर वन ऑन वन मैच के लिए रहेंगे। तो भाई यहाँ पर है ना अभी हाल फिलहाल में कोडी रोड्स तो अपने आप को है ना बिल्कुल ऐसा बता रहा है कि भाई अनएक्सपेक्टेड होने वाली भाई वो जरूर होगी, पर कभी रोका भाई कोडी रोड्स इस चीज़ का हिस्सा नहीं रहता तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। और भाई आपको पता ही है कोडी रोड्स की पर्सनल स्टोरी लाइन ही इतनी ज़्यादा है कि भाई वो जब तक वो निपटाएंगे रैंडी ऑर्टन के साथ उनकी स्टोरी लाइन चल रही है, भाई इस स्टोरी लाइन को निपटाएंगे तो फिर भाई नेक्स्ट स्टोरी लाइन पर जाएंगे तो देखना इंटरेस्टिंग होने वाला वो भी। तो गाइस यहाँ पर रेसलमेनिया के लिए अभी हाल फिलहाल जो टिकट के चार्जेस है ना भाई वो डबल तिबल लिए जा रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर एडवांस में टिकट इतनी ज़्यादा सेल आउट हो रही है रेसलमेनिया के लिए कि भाई यहाँ पर है ना टिकट के प्राइसेस है जो USA के लिए जो लाइव ऑडियंस के लिए भाई वो कुछ ज़्यादा ही हाई है। तो गाइस आपको पता ही है वो किस वजह से, क्योंकि भाई यहाँ पर है ना ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन इतना ज़्यादा एपिक चल रही है, वो यहाँ पर WWE की स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चल रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए तो भाई यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बात थी कि यहाँ पर जो टिकट के प्राइसेस हैं भाई वो इतने ज़्यादा हाई जाने थे, और भाई वो टिकट के प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई गए भी हैं। तो देखना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि भाई यहाँ पर रेसलमेनिया जैसे जैसे पास आ रही है भाई इस इवेंट के लिए है ना हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि भाई यहाँ पर ना अभी हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छे इवेंट चल रहे हैं। यहाँ पर आप हाल ही में देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे इवेंट हो रहे हैं, यहाँ पर आप जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला मतलब नेक्स्ट के बाद जो नेक्स्ट हो रहा होगा वो सर्वाइवर सीरीज होने वाला है, जिसमें बोर गेम्स के मैच होने वाले हैं, जिसमें आपको पता है यहाँ पर OG ब्लड लाइन और न्यू ब्लड लाइन का मैच होने वाले हैं। और भाई उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पर WWE सेट करने की कोशिश कर रही है, खासतौर पर यहाँ पर भाई जो नए सुपरस्टार से भाई उनको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाइप मिल रही है। आपको पता है यहाँ पर एक फेस ऑफ हुआ था अभी पिछले रॉ पर ही भाई जेकब फाटू और ब्रॉन ब्रेकर का, भाई उस फेस ऑफ को इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पर क्राउड दिया था मतलब लाउड पॉप कि भाई देख के लगता है कि भाई यहाँ पर नेक्स्ट सुपरस्टार भी अच्छे बन रहे हैं। और भाई करेंट सुपरस्टार की स्टोरी लाइन भी कुछ ज़्यादा ही एपिक जा रही है, अभी ब्लड लाइन का यूनियन होने वाला है भाई उसके लिए भी है ना काफ़ी ज़्यादा स्टे ट्यून्ड है ऑडियंस। और भाई उसके अलावा भी नए नए इवेंट्स यहाँ पर अनाउंस हो रहे हैं, जैसे एलिमिनेशन चैम्बर में अभी है ना टॉक्स में है कि भाई ये शायद UK में होने वाला था, पर भाई अब UK में नहीं हो रहा है, अब ये शायद कनाडा में होने वाला है, मतलब कनाडा में कुछ ज़्यादा इवेंट्स होते हैं अभी आजकल। तो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट जो इवेंट जो अप नेक्स्ट ही है मतलब क्राउन जूल भाई उसके लिए भी काफ़ी तगड़े तगड़े मैच सेट हो चुके हैं, वहाँ तो भाई जो हाइलाइट रहने वाली वो होने वाली है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और हमारे ब्रॉन्सन रीड के मैच की। और भाई उसके अलावा भी यहाँ पर है ना रो ब्रांड और स्मैकडाउन ब्रांड से है ना यहाँ पर चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाले मैचेस भी सेट कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर तो अभी WWE ना बिल्कुल टॉप फॉर्म में चल रही है अभी हाल फिलहाल मान के चलिए, तो भाई WWE की बुकिंग है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। और भाई अभी अब नेक्स्ट कुछ और मैच यहाँ पर है ना अनाउंस होंगे जो भाई देख के लगता है कुछ ज़्यादा ही एपिक हो सकते हैं, तो देखना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा दिन ब दिन कि भाई WWE किस तरीके से यहाँ पर गेम प्लान और माइंडसेट लेके चल रही है। तो गाइस यहाँ पर तो है ना तगड़े मैचेस हो रहे हैं और भाई WWE बिल्कुल चारों हाथ मतलब घी में मान के चली है। तो गाइस आज का आपको वीडियो थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रसल अल्टीमेट को, ऐसे ही और वीडियो और कॉन्टेंट देखने के लिए हमारे चैनल पर।